मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। ओहो, तुम तो मुझे सलाम करने के भी रवादार नहीं थे, अब क्यों बात कर रहे हो मुझसे? आप मुझे बस ये बता दें कि मेरा रिश्ता लेके कब जाएंगी। लुक एट हिम, देख रहे हो अरमान? ही इज सो मीन एंड सेल्फिश। भाई मॉम की बहुत बिजी लाइफ है, मसरूफियात की लंबी लिस्ट है ना मॉम? मसरूफियात की या फजूलियात की? मॉम आपकी किटी पार्टी, फैशन, गॉसिप्स, सब इसको फजूलियात लगती हैं। बहुत हो गया आयान, इसके बाद अगर तुमने मुझे क्रिटिसाइज किया तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। एक मिनट। हेलो डैड, कैसे हैं आप? डैड, आपकी वाइफ के पास टाइम ही नहीं है मेरा रिश्ता लेके जाने के लिए। इनसे ज़रा बात कर लें। हाँ, आपकी बात ये समझेंगी। ये जी यही बात करें। फसाद भी हो तो। हेलो डार्लिंग। जी ठीक हूँ, जी जी जा रही हूँ। आप चीख क्यों रहे हैं? क्या जरूरत थी मलिक दिलावर को फोन मिलाने की? मेरी बात तो आपके कानों तक जा नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि डैड की चीख ही आपके कानों तक पहुंचा दूं। तुम क्यों इतना हंस रहे हो? कोई कॉमेडी शो चल रहा है? अब मॉम आपके इंसल्ट पे हंस रहा हूं। शेम ऑन यू अरमान, अपनी माँ का मजाक उड़ा रहे। आपका भी और अपना भी। डैड ने कैसे इसके आते ही पार्टी चेंज कर ली? देख रहा हूं कैसे घुना बना हुआ ये अपना काम निकलवाने के लिए। शादी हो लेने दें इसकी, कैसे बदलेगा देखना आप। अपनी जबान संभाल के बात करो तो बेहतर है। क्यों, क्या कर लोगे तुम? मेरी एक बात याद रखना, जायदाद, बिजनेस, इसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें, सिवाय इस घर के जो तुम्हारी मां के नाम है। मुझे चाहिए भी नहीं कुछ। कुछ तो ले लो। ऐसा करते इसका घर ही बिकवा देते, इसे कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे मॉम, डैड इस घर को बदलने ही नहीं देते, बेचने देंगे क्या? अरमान मेरी जान, कुछ तो करना पड़ेगा। करते हैं कुछ इसका। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।